हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दंपति की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। गुस्साई पत्नी ने पति की चप्पल से पिटाई कर दी। पत्नी की मां ने भी दामाद की पिटाई की। पिछले 5 साल से कोर्ट में केस चल रहा था। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड का पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर दंपति की मारपीट का ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर छाया हुआ है। गुस्साई पत्नी ने पति की चप्पल से धुनाई कर दी और उसका सहयोग किया उसकी मां ने, जिसने दामाद को पीटा। पिछले 5 साल से कोर्ट में पूरे किसी मामले को लेकर केस चल रहा था, उसी के बावत मामले की जांच में हालांकि पुलिस जुटी हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड का पूरा मामला बताया जा रहा है। और पति के द्वारा पत्नी को पीटने का आपने कई मामले सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर गुस्साई पत्नी ने पति को धो दिया, चप्पलों से पिटाई की, साथ में उसकी माँ ने भी उसका साथ दिया। दामाद को जमकर पीटा। पिछले 5 साल से किसी बात को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था, जिसकी वजह से ही ये विवाद सामने आया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड का बताया जा रहा है। हमीरपुर से ये बड़ी घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर दंपति की मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ है। उत्साही पति ने पति की चप्पल से पिटाई कर दी है और पत्नी की मां ने भी दामाद की पिटाई की। पिछले 5 साल से कोर्ट में ये केस चल रहा था, इसकी वजह से कुछ अनबन और कुछ विवाद हुआ, जिस पर यह हाथापाई तक नौबत आ गई। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र का ये बस स्टैंड है वहां पर, जहां ये पूरा मामला घटा और उसकी जो वीडियो लोगों ने बनाई वो अब वायरल हो रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का हुजूम खड़ा हुआ है और यहाँ पर दामाद की पिटाई की जा रही है। सास और उसकी पत्नी दोनों ही यहाँ पर उस पर चप्पलों से पिटाई कर रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए हैं सद्दाम हुसैन। सद्दाम, आखिर क्या वजह रही जो कि इस दामाद की खातिरदारी चप्पलों से की गई, क्या विवाद रहा? सद्दाम, दीपक जी दोनों की कल तारीख थी और तारीख में आमने सामने बैठे थे वकील के सामने और उसी बीच उन दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई और क्योंकि विवाद 4-5 साल पुराना था तो वो दोनों कोर्ट से तो बाहर निकला है, मगर जैसे ही बस स्टैंड पर आए, बस स्टैंड में पत्नी और उसकी जो सास है उन दोनों ने एक के ऊपर एक कई चप्पलें अपने जो पत्नी है उसके पति के ऊपर बरसाई। जी, पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है, क्या किसी की गिरफ्तारी है, किसी पे केस दर्ज हुआ, क्योंकि इस तरह से किसी पर हाथापाई और हाथ उठाना लीगल नहीं माना जाता है। पुलिस को इस मामले की जानकारी थी, पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया और दोनों पक्षों को बैठाया। हालांकि जानकारी मिली है कि दोनों पक्षों का आपसी सुलहनामा करवा दिया गया। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो विवाद है वो किसी केस को लेकर ही चल रहा था, जिसके बाद विवाद बातों ही बातों में इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर गुस्साई पत्नी ने उस पति पर चप्पलें घूंसे बरसा दिए और उसकी मां ने इसका सहयोग किया। हालांकि जो भीड़ वहां पर मौजूद थी वो तमाशबीन बनी देखती रही, लेकिन पुलिस के द्वारा बीच बचाव करने पर ये पूरा जाके मामला शांत हुआ।